नमस्कार दोस्तों, मेरे और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ गूगल पिक्सल 6 से, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कुछ 43,999 है और ऑनलाइन मिलेगा आपको कुछ 30,000 में फ्लिपकार्ट के ज़रिए। और ये उसके कुछ एसेसरीज़ हैं जो हर कोई लेता है। इसके बैक कवर है और ये अडाप्टर है उसका, और ये इसका स्क्रीन गार्ड है टेम्पर्ड ग्लास। तो ये एसेसरीज़ कुछ मुझे 300 में मिला था। इस ये ओरिजिनल गूगल की तरफ से हैं, जिसकी प्राइस कुछ 2,200 रुपये है। और ये कुछ मुझे 400 रुपये में मिला था टेम्पर ग्लास। तो पहले इसकी एसेसरीज़ को देखते हैं कैसी है इसकी क्वालिटी। अगर मैं बैक कवर की क्वालिटी की और बात करूं तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, रबर का मटेरियल साइड से। और बीच में जो है ये ग्लास नहीं है, ये भी कुछ प्लास्टिक मटेरियल है ट्रांसपेरेंट में। तो और ये इसका टेम्पर्ड ग्लास है। और इसका अडाप्टर देखते हैं। अगर मैं अडाप्टर की बात करूं तो अगर इसकी एक 30 वॉट का अडाप्टर है, पर फ़ोन मैक्स सपोर्ट करता है 18 वॉट वायर चार्जिंग। ये टाइप सी का पोर्ट है, टाइप सी टू सी। ये गूगल का लोगो है और इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दिखने में काफ़ी अच्छा है। तो इन सबको साइड में करते हैं, अभी आते हैं मेन फ़ोन की तरफ। मैं इसको पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ ताकि देख सकूँ कि सब एसेसरीज आए हैं कि नहीं सब। तो इसके थोड़ा साइड में रख के अंदर क्या क्या है ये थोड़ा देखते हैं। ये है उसका टाइप सी टू सी केबल, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी मोटी भी वायर है। ये साथ में डोंगल दिया है USB-C टू USB-A टाइप। और ये इसका सिम इंजेक्टर टूल, और साथ में ये कुछ रीडिंग मटेरियल। वो इन सबको साइड में रख के मेन फ़ोन की तरफ देखते हैं। बैक से देखो तो ये काफ़ी प्रीमियम लगता है और ये ड्यूअल टोन में और ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। पीछे आपको दो कैमरा मिलते हैं ड्यूअल कैमरा, एक 12.2 मेगापिक्सल का है और एक 12 मेगापिक्सल का। और ये LED फ्लैश। साइड से इसका पूरा मेटल फ्रेम है। मैं इसको टेम्पर ग्लास पहले लिए लगा चुका हूँ। तो आइए इसको बूट करते हुए बात करते हैं। पीछे का जो इसका ग्लास का मटेरियल है, एक्चुअली ग्लास नहीं है, एक प्लास्टिक है, पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। नीचे आपको एक माइक और एक स्पीकर है, बीच में टाइप सी का पोर्ट है। इधर पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर्स। और दूसरी साइड पूरी क्लीन है। इधर सिम का ये है पोर्ट है। और ऊपर की तरफ नॉइज़ कैंसिलेशन का ये है स्पीकर। तो आगे की तरफ देखे तो फ्रंट कैमरा है, जिस जो 8 मेगापिक्सल का है। अगर मैं इसके फिंगरप्रिंट के बारे में बात करूं तो काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। स्क्रीन क्वालिटी की बात करूं तो स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, 6.1 इंच का है और हाथ में पकड़ने में भी काफ़ी हैंडी है, एकदम पोर्टेबल फ़ोन लग रहा है। 6.1 इंच की तरह नहीं लग रहा है हाथ में पकड़ने के लिए,
ये थोड़ा लंबा है और थोड़ा, और इसकी अगर स्क्रीन क्वालिटी की बात करूँ तो 6.1 इंच फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले है, पर ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये 60 हर्ट्ज़ की है। जिस प्राइस पॉइंट में ये आता है, अगर 120 हर्ट्ज़ दिया होता तो काफ़ी अच्छा होता, पर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये 60 हर्ट्ज़ का पैनल है। काफ़ी स्मूथ है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इसका ओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो फ़िलहाल अभी ये रन कर रहा है एंड्रॉयड 13 के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं अप टू डेट है। अगर मैं इसके रैम के बारे में बात करूं तो ये LPDDR5X रैम है इसका, 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, UFS 3.1। अगर मैं इसके स्पीकर के बारे में बात करूं तो फ्रंट की तरफ टोटल ड्यूअल स्पीकर है, फ्रंट की तरफ ये ऊपर की तरफ स्पीकर का भी काम करता है, माइक और स्पीकर दोनों का, और नीचे एक स्पीकर है, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं इसके म्यूज़िक की क्वालिटी के बारे में बात करूं तो कुछ कॉपीराइट म्यूज़िक मैं प्ले करके दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, साउंड क्वालिटी। अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो गूगल फ़ोन जो है कैमरा के लिए जाना जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ फ़ोटो सैंपल्स हैं जो मैं शेयर कर चुका हूँ, जो कि आप देख सकते हैं जो JBL का जो लोगो है और जो साइड के जो कलर सेचुरेशन काफ़ी अच्छी हैं। घड़ी के भी आप देख सकते हैं डिटेलिंग कितनी अच्छे से आ रही है, और ये भी जो सेंट परफ्यूम का जो ये है क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी है। पोर्ट्रेट में भी ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, ब्लर एकदम अच्छे से मैनेज करता है। पत्तों का भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी नेचुरल सी फ़ोटोज़ लग रही है। लो लाइटिंग में भी एकदम फ्लैगशिप लेवल के फ़ोटोज़ आ रहे हैं। तो इसमें और एक नया फीचर जो इसमें ऐड किया हुआ है कुछ मैजिक इरेजर करके है, अगर आप एडिट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर टूल्स में मैजिक इरेजर करके रहेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक वॉच है जो मैं इसको निकालना चाहता हूँ, तो ये देखिए बड़ी आसानी से जो वॉच है इसका ये गायब हो चुका है, और ये चाबी भी, तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अगर मैं इसके प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो S21FE5G का जो एक्सिनोस प्रोसेसर है एकदम उसके बराबर का है। इसमें गूगल का टेंसर चिप है जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, जो कि 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और प्रोटेक्शन के लिए इसके कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का है जो काफ़ी आउटडेटेड है, कम से कम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 तो रहना चाहिए था फिर ठीक है। और इस कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो इसमें Wi-Fi 6E है और 19 5G बैंड्स हैं। अगर मैं फ़ोन के क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो प्रीमियम तो लगता है ये फ़ोन, और इसमें वायर लेस चार्जिंग वो सब नहीं है, फिर भी जो प्राइस पॉइंट में ये ऑफ़र करता है वो ठीक ठाक बोलूँगा मैं, काफ़ी कुछ अच्छा नहीं है, जैसे कि रिफ्रेश रेट नहीं है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो बस यही था वीडियो,
तो इसके ऊपर और एक मैं कैमरा कंपैरिजन करूँगा। तो पहले दोस्तों अभी इसका बैक कवर डाल के देखते हैं जो मैंने इसके साथ परचेज़ किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में इसके जो एंटीना बैंड से वो काफ़ी विजिबल हो रहे हैं। तो चलिए अभी इसको डाल के देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी आसानी से बैठ गए हैं और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। और आप देख सकते हैं जो साइड का जो कोना है ये हल्का सा रेज्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा जब ये ड्रॉप होगा तो ये उसको प्रोटेक्ट करेगा जो उस फ्रेम है उसको। तो ये चारों तरफ हैं, देखिए आप देख सकते हैं जो रेज हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है इससे। अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँ तो 4410 mAh की बैटरी है इसकी। और इधर इजीली शो कर रहा है जैसे 59% अभी इसका बैटरी है। जैसे आप नोटिफिकेशन निकालेंगे तो इधर शो करेगा 1 day 23 hours, तो इस तरह से ये शो करता है। तो ये काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है इसके अंदर, फ़ोन के अंदर जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की बात करूँ तो OnePlus Nord, Nothing Phone 1 और S21 FE 5G है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।